प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल हाल मुतलिक। पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस तरह की जाती है कि इसमें उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। यूज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली। रूटीन वर्क एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स आर ऑलवेज टोल्ड यूजिंग दिस टेंस। इस्तेमाल एंड मिसालें, इस ज़माने का इस्तेमाल हम ऐसे कामों का जिक्र करने के लिए करते हैं जो बाकायदगी से वकूअ पज़ीर होते हैं या किए जाते हैं। रूटीन वर्क और आलमगीर हकायक बताने के लिए इस ज़माने का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, आयशा नमाज पढ़ती है, अहमद हॉकी खेलता है, तुम पानी पीते हो वगैरह। हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू का इस्तेमाल एंड डज का इस्तेमाल। डू का इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिकरात बनाने का तरीका। सब्जेक्ट फाइल, वर्ब फेल एंड ऑब्जेक्ट मफूल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मफूल फेल एंड फाइल। इन सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूजुअली यूज्ड। इट इज यूज्ड ओनली इफ वी वांट टू इंटेंसिफाई आवर स्टेटमेंट। इस ज़माने में सादा फिकरात बनाते वक्त इमदादी फेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसा कि हम गरीबों की मदद करते हैं। देखें ते, ता, ती, या, हम गरीबों की मदद करते हैं। वी हेल्प द पुअर, हेल्प्स नहीं आया क्योंकि जो वी है वो प्लूरल है, ज़्यादा लोगों के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। नेक्स्ट है तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, फिर प्लूरल सब्जेक्ट आया है यू टेल अ लाई, टेल्स नहीं आएगा। वो मेरी टांगे खींचता है, ही पुल्स माई लेग। देखिए ही आ गया, सिंगुलर आ गया है तो एस का इस्तेमाल करेंगे। ही पुल्स माई लेग, वो मेरी टांगे खींचता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिकरात बनाने का तरीका, जिसमें सब्जेक्ट यूज होता है डू नॉट, डज नॉट। पर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। अच्छा जी, जस्ट बाय एडिंग डू एंड डज नॉट टू अ सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास है हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। देखें डज इसलिए नहीं आया क्योंकि जो वी है वो प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ डज आता है, तो जो प्लूरल होगा उसके साथ डू यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हिज नेम। देखें आई आया तो डू आएगा, तो डू नॉट, आई डू नॉट नो हिज नेम। आरिफ गोलियाँ नहीं खेलता, आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स। आरिफ सिंगल है, सिंगल नेम है तो डज आएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट, आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स। वो घंटी नहीं बजाता है, ही डज नॉट रिंग द बेल। देखें ही सिंगुलर है तो डज आया है इसके साथ, ही डज नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, सवाल फिकरात बनाने का तरीका। नेगेटिव सेंटेंस में ये होकर दरमियान में यूज़ हुआ था, मतलब सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ था, तो अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसे सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम डू और डज को स्टार्ट में यूज़ करेंगे, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सवाल फिकरात बनाने के लिए सादा फिकरात के शुरू में इमदादी फेल का इजाफा कर दें। क्या तुम शोर करते हो, डू यू मेक अ नॉइस। डू इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि जो यू है हमारे पास वो प्लूरल है। डू यू मेक अ नॉइस, अच्छा जी, क्या मुर्गी अंडे देती है, डू हैंस ले एग्स, डू हैंस ले एग्स। क्या वो पौधों को पानी देता है, डज ही वाटर द प्लांट्स, डज ही वाटर द प्लांट्स। ही आया है तो डज यूज होगा।
क्या अली पतंग उड़ाता है? डज अली फ्लाई अ काइट? अली क्योंकि हमारे पास सिंगुलर आ गया है तो हमने डज इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। माहीगीर मछलियाँ पकड़ता है, वो नमाज पढ़ती है, सूरज मशरिक से निकलता है, दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता है, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, हम झूठे बहाने नहीं बनाते हैं। तो गाइज आप लोगों ने ये 6 टेंस आप लोग कीजिएगा, अगर आप तो गाइज आप लोग सो गाइज आप लोगों ने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है। 6 सेंटेंस हैं, टेंसेज हैं, इनको आपने करना है कि इंग्लिश कैसे बनेंगे, टेंस कैसे बनेगा, तो आप लोग ये कीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी हो, वैसे होगी तो नहीं क्योंकि मैंने आपको इतना सिंपल वे बता दिया है, अगर आप लोगों को मज़ीद समझना हो तो सो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोग ये टेंस कर सकते हैं तो कमेंट में डन लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।